सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको नोएडा से बता रहे हैं, जो स्पाइस मॉल में आग लगने की खबर है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और बलराम हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। बलराम, क्या अभी स्पष्ट हो पाया है कि आखिर कौन सी मंजिल पर ये आग लगी है? देखिए, अब अधिकारी जो बाहर निकल के आए हैं उनका यही कहना है कि ये जो सिनेमा घर था उसके पीछे वाले पोर्शन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरीके से, कोई हताहत नहीं है, कोई पैनिक नहीं क्रिएट हुआ है और सारे जो लोग अंदर थे सिनेमा घर में उनको शांतिपूर्वक बाहर निकाल दिया गया है। और आग पर अब जो स्थिति है वो काबू पा ली गई है। अब जो दमकल की गाड़ियां जो अभी और मौके पे पहुंची हैं, फिलहाल उनका यही कहना है कि अब आग पूरी तरीके से शांत है और आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और जो सिनेमा घर है वो वहाँ पर कोई पैनिक नहीं है और जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और अभी इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिरकार ये शॉर्ट सर्किट कैसे हुई, कैसे ये आग लगी है, इस विषय की भी जांच की जा रही है। और अगर इसमें कहीं कोई कोताही पाई जाती है कि अग्निशमन के मानकों को पूरा नहीं किया गया है तो उससे भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा अधिकारियों का कहना है। फिलहाल अधिकारियों की पहली जो प्राथमिकता वो ये है कि कोई पैनिक क्रिएट ना हो और जो आग है उस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाए और जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। जी बलराम, जिस वक्त ये आग लगी क्या उस वक्त सिनेमा घर या उसके आसपास लोग मौजूद नहीं थे, उनको किस तरीके से रेस्क्यू किया गया? जी देखिए, जो स्थिति की अगर हम बात करें जिस समय आग लगी है उस समय मॉल है, दिन का समय था, मॉल खचाखच लोगों से पब्लिक से भरा था और काफी पॉश एरिया में ये मॉल है, सेक्टर 25 में ये स्पाइस मॉल है और जहां पर नीचे आप देखिए कि बीकानेर है और काफी सारी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, तो लोगों का जो क्राउड है वो लगातार इस मॉल में रहता है और सिनेमा घर हैं, दो दो तीन तीन स्क्रीन स्टूडियो हैं जहां पर लोग मौजूद होते हैं। एम्बुलेंस भी देखिए अब इस समय मौके पे पहुंच गई है, अगर हो सकता है कि कोई किसी भी तरीके से कोई किसी को भी कोई समस्या हो तो उसको ले जाने के लिए। और फिलहाल जो अधिकारी हैं और जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है, लेकिन जो अधिकारी अभी निकल के आए हैं उनका यही कहना है कि अब स्थिति सामान्य है, कोई पैनिक नहीं है और जिस समय ये आग लगी थी उस समय मॉल में काफी लोग थे। लेकिन सबसे राहत की बात यह है जो अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, बिल्कुल आग पर काबू पा लिया गया है। बलराम, आप नजर बनाए रखें, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।